अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, चैप्टर नंबर 8, कंपैरिजन क्वांटिटीज। आज क्वेश्चन नंबर पहला है, कैलकुलेट द अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ए पार्ट दिया गया है रुपीज 10,800 फॉर 3 ईयर, ए 12:1/2% पर एनम कंपाउंड इन एनुअली। आपको क्या दिया गया है, ये रुपीज 3 साल के लिए उसने बैंक में भरा हुआ है, ठीक है, तो उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है 12:1/2। अब हमको उस पर क्या निकालना है, एक तो आपको अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। जो पैसा आप भरते हो क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। हमने ये बताया था कि प्रिंसिपल इसको बोलते थे। और अमाउंट के अमाउंट हम कैसे निकालते थे, सपोज मैंने बैंक में पैसा भर दिया, तो सपोज जो मैं भर रहा हूँ या सपोज मेरे पास जो बैंक में पैसा पहले है विदाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बगैर, तो उसको हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट आपके पास बनता है उसको हम बोलते हैं अमाउंट बोलते हैं। जो जो आपके पास इतना पैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, हमें आपको अमाउंट और कंपाउंड निकालना है। देखो, अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बोला था, वो आपको आज यहाँ याद होगा, a = 1 upon 1 + r/t × r/100 रेस्ट पावर टी। टी टाइम पीरियड है, r रेट ऑफ इंटरेस्ट है, p प्रिंसिपल है और a फॉर अमाउंट है, ठीक है। और यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते थे, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल को निकालते थे, हमें अपना कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो यही दो फॉर्मूले इस्तेमाल करके हमने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो हम कैसे करेंगे, देखो पहले क्या दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, ₹10,800, यानी 10,800 अपना हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है। और आप यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि एक साल के बाद जो बैंक में आप पैसे दे रहे हो 10,800 रुपया, उसके बाद उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने पड़ते हैं, 10 साल के बाद इन पर इंटरेस्ट पड़ते हैं 12:1/2, ठीक है, इसका मतलब ये है। और यहाँ पर वो सॉरी, एक साल के बाद पर एनम मीन्स एक साल के बाद, एक साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ता है, 12:1/2। अच्छा, इसको कितने टाइम के तक उसने बैंक में पैसा रखा, 3 साल तक, ठीक है। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, अमाउंट निकालना है सीधे निकाल सकते हैं यहां से, ओके। तो मैं ऊपर वाला चीज सपोज यहां से मैं कर लू, हमें अमाउंट निकालना है ना, तो मैं करूंगा ना वी नो a = p × 1 + r/t × 1/100 / t। p हमारे पास कितना दिया गया है, 10,800 + 1 + r, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप इस तरह लिख लो, 2 × 12 = 24, 24 + 1 = 25। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, 25/2%, ओके। तो यहां पर आप लिख लो 25/2 और 4/100 है ना, तो यहां पर 1/100 होगी, यहां पर आपको 100 ही वापस आ जाएंगे। और टाइम किस कितना है, 3, ओके। अच्छा, 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, तो 1 + 1/4 / 3, 4 × 1 = 4, ठीक है। अच्छा, यहां से मैं यहां कर लेता हूं, वहां से यहां आ जाता हूं, ये पहले नोट कर लो आप, ओके। यहां से मैं यहां आ जाऊंगा सीधे, ठीक है। अच्छा, हमारे को देयरफॉर a = 10,800 + 5/4 / 3 = 10,800 5/4 / 3 means 5/4 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। आपको यह सिंप्लीफाई करने के बाद, आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, आराम से आपको आ जाएगा,
और मैं सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आप यहाँ पर सॉरी 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 माय सॉरी, देखो यहाँ पर टू भी है ना, टू फोर था एट, यहाँ एट लिखना है, सॉरी टू इंटू फोर 25 1 था 25, 25 4 था 100, तो 2 4 था 8, यहाँ 8 लिखना सॉरी, तो यहाँ पर 8 1 8 आ जाएगा, सॉरी माय फॉल्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 अपॉन 8, तो आपने 9 अपॉन 8 को 3 बार लिखना है मल्टीप्लाई करके, अच्छा आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर लो, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको सीधा ये आंसर आ जाएगा, मैं सीधा आंसर लिखूंगा, इसका आता है 15377.34 एमोड आपको इतना निकल आता है। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सीआई मींस कंपाउंड इंटरेस्ट में के लिए हमने अमाउंट में से प्रिंसिपल को निकाल लेंगे 1 4, इसमें से कितने कितने को निकालेंगे, प्रिंसिपल अपने पास है 10,800, देखो पॉइंट है ना यहाँ पर 0.00 है, 3 0 में से 4 निकालो, 4 सॉरी 4 में से 0 निकालेंगे 4 आ जाएंगे, 3 में से 0 निकालेंगे 3 आ जाएंगे पॉइंट, 7 में से 0 निकालो 7 आ जाएंगे, 7 में से 0 निकालो 7 आ जाएंगे, 3 13 में से 8 निकालो 5 आ जाएंगे, यहाँ 4 बच गए, 4 में से 0 4, 1 में से 1 0, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसका बनता है 5,477.34 और अमाउंट इसका आ गए 15,377.34 इसका अमाउंट आ गए। 3 साल के बाद बैंक में उसका पैसा इतना बन जाता है और इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट इतना पड़ा हुआ था। ओके तो ये ए पार्ट है, इसके बाद भी पार्ट करेंगे। सो हमारा अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, ₹18,000 फॉर 2.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड रहने वाली, यानी उसका बैंक में कितना प्रिंसिपल अमाउंट कितना है उसका 18,000 और टाइम पीरियड कितना दिया होगा 2:2 2.5 ईयर हो यानी 2.5 साल। ओके और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10% पर एनम, 1 साल के बाद उस पर रेट इंटरेस्ट कितना पड़ता है 10% पड़ता है, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट का 10% उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चढ़ता है। ओके तो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है, देखो 2 ईयर को आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से निकालना है और हाफ ईयर को आपने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकालना है और उसके बाद हम अमाउंट निकालेंगे। देखो इसको करना है कैसे है, ध्यान से देखो, गिवन प्रिंसिपल कितने दिया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया गया है ₹18,000। ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10% पर एनम, यानी 1 साल के बाद उसका 10% उसके ऊपर रेट इंटरेस्ट पड़ता है, सूद चढ़ता है। ओके आपको और क्या दिया गया है, हाँ टाइम पीरियड, देखो मेरे को यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे मेरे को सिर्फ 2 साल लेना है, आधा ईयर हाफ ईयर हम सिंपल इंटरेस्ट सबसे निकालेंगे। ओके तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 ईयर ही लगाएंगे। ओके अच्छा निकालो, नाउ अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आर ओपन 100 रेस्ट पावर टी विच इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 18,000 वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया 10 अपॉन 100 रेस्ट पावर 2। ओके यहां लिखता हूं विच इज इक्वल टू 18,000 100 प्लस 10 110 सीधा लिखता हूं मैं अपॉन 100 रेस्ट पावर 2 18,000 110 अपॉन 100 × 110 अपॉन 100, ये 2 जीरो इसके साथ कट गए और ये 1 जीरो इसके साथ कट गए और ये 1 जीरो इसके साथ कट गए। ओके तो 180 × 11 × 11 11 × 11 121 होता है और 18 को आप यहां से मल्टीप्लाई यहां से कर लो कहीं जगह से, सपोज
मैं यही कहीं कर लूंगा, बाद में मिटाऊंगा अभी। देखो देखो मैं यही कर लूंगा सीधे। 1 into 0 0 1 8 the 8 1 in the 1, 2 into 0 0 2 8 the 16 2 1 the 2 plus 1 3। हाँ, इसके बाद 1 0 1 8 1, ओके 0 8 7 8 plus 3 1, 2 1 6 7 8 0 7 8 0, 2 1 7 8 0 आपका आता है। हाँ, 2 साल के बाद अमाउंट बनता है, लेकिन हमने हाफ ईयर अभी इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। हाफ ईयर मेरे को 2 1 7 8 0 आपका आ गया ना, अभी मल्टीप्लाई करके। ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये अमाउंट बनता है 2 साल के बाद, 10% का इंटरेस्ट लगने के बाद 2 साल के बाद इसका अमाउंट कितना बनता है, 2 1 7 8 0। लेकिन हाफ ईयर का मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया। देखो मैं यहाँ पर हाफ ईयर को सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकालूंगा। यहां तक नोट कर लो पहले, ये वाला चीज मैं मिटाऊंगा। ओके, तो हमारे अमाउंट हमें आ गया है ₹2 1 7 8 0। देखो 2 साल के बाद, लेकिन 2.5 साल तक उसने क्या होता, कब तक रखा था, 2.5 साल तक। टाइम ब्रेक कितना दो है, 2.5 साल तक। 2 साल के बाद इसका प्रिंसिपल, जो बैंक में उसने पैसा दिया था 18,000, उस पर इंटरेस्ट लगा बैंक ने, उस पर इंटरेस्ट लगाने के बाद, क्योंकि अगर आप बैंक में पैसा रखते हो क्या होता है, 1 2 साल के बाद इंटरेस्ट चढ़ते हैं, उसके बाद आपका पैसा थोड़ा बढ़ जाता है। तो जो आप पैसे दे रहे हो तो प्रिंसिपल अमाउंट, ओके 18,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। सूद चढ़ने के बाद, इंटरेस्ट चढ़ने के बाद आपका पैसा कितना हुआ, 2 1 7 8 0, ये आपका अमाउंट होता है। लेकिन 2 साल के बाद उसने कितने साल तक रखा था, 2.5 साल। मुझे हाफ ईयर का निकालना भी है, तो क्या है पता है, तो आधे हाफ ईयर के लिए आपको क्या हो जाएंगे, ये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएंगे। 2 साल के बाद आपका जो अमाउंट था वो अगले आधे साल के लिए क्या बन जाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएंगे। ये आपका 2 साल के बाद अमाउंट है, तो अगले आधे साल के लिए ये क्या बन जाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएंगे। हम क्या निकालेंगे, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मैंने बोला ना, ये अमाउंट 2 साल के बाद जो अमाउंट मिल गया वो सिंपल इंटरेस्ट के आधे या साल के लिए क्या बन जाएंगे, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप 2 1 7 8 0 जो अमाउंट था 2 साल के बाद, वो आधे साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पर रखेंगे। और रेट आपका 10% था, और हाफ 1 ऊपर लिखो हाफ नीचे लिखो अपॉन 100। ओके, ये 2 0 इसके साथ कट गए, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, बीच में 0 लगाना पड़ेगा, 2 8 16, 1 रहेगा, 2 9 18। तो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर पड़ता है ₹1089। अच्छा, टोटल अमाउंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फिर, अभी आपको आपको यहां पर अमाउंट जो आपको मिला था 2 साल के बाद, उसके ऊपर ये इंटरेस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बैंक में क्या कितने रखा, 2.5 साल तक रखा। 2 साल के बाद उसका पैसा ये बनता है, लेकिन आधे आधे साल के लिए, हाफ ईयर के लिए उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट आता है ना, तो ये पैसा भी इसके ऊपर ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट उसका कितना हुआ, टोटल अमाउंट इक्वल टू 2 1 0 2 1 7 8 0 plus 1 0 8 9, 9 8 2 16 1 8 1 plus 1 2। 1 साल के बाद उसका पैसा बनता है बेटा 22,800, सॉरी 2.5 साल के बाद उसका पैसा बनता है 22,869। अच्छा, आपको अभी आप में लास्ट में क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। यहां पर मैं ऊपर लिखता हूं, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल अमाउंट आपको हमको मिल गए। अब नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, या इसको CI से डिनोट करता है, अमाउंट में से मैंने प्रिंसिपल को निकालना पड़ेगा। अमाउंट आपको 22,869 निकल गए थे, और प्रिंसिपल कितना था, 18,000 था ना। हाँ, नाउ
में से 0 9, 6 में से 0 6, 8 में से 0 8, 12 में से 8 4, और यहां पर एक बच गया, एक में से एक 0, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है बेटा रुपीज 4869। ओके, तो ये बी पर आपका हो गए। ओके देन स्टूडेंट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गए बी पार्ट का। बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। तब तक खुदा हाफिज, टेक केयर।